हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी में बगावत की चिंगारी भड़क गई है। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को हराकर विधायक बने रामकुमार गौतम ने जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा है। नारनौंद से विधायक रामकुमार गौतम ने दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी क्षेत्रीय है और उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दे रहा है। साथ ही कहा कि दुष्यंत चौटाला को जेजेपी के 9 विधायकों ने उप मुख्यमंत्री बनाया है और वह 11 महकमे अपने पास दबाकर बैठ गए हैं। जेजेपी के अन्य विधायकों की अनदेखी के कारण उनमें काफ़ी नाराजगी है। के प्रोग्राम लिया जो कहना था और के को थोड़ी बाइट बताओ जज्बा के बारे में आपने बोला है, पार्टी छोड़ दी क्या? ना पार्टी क्यों छोड़ दूंगा, पार्टी मेरी बनाई है, संस्थापक हूँ इस पार्टी का, क्यों छोड़ दूंगा पार्टी भाई। तो आपने अभी कहा ना मैं उससे दूर हो चुका हूँ। दूर तो वही वाइस प्रेसिडेंट बना रखा था मेरे को ऑल इंडिया का, ऑल इंडिया की तो यह पार्टी भी नहीं है, दूर इसी को है, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रखा था। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद तो भाई मैंने छोड़ दिया, इब्बे छोड़ रहा हूँ, थारे को बता दिया, ठीक है और बता। और पार्टी में तो भाई कानून ऐसा बन रहा है, पार्टी में तो बना रहूँगा, कोई ऐसी स्टेज अभी आई नहीं, क्योंकि पार्टी तो जब भी छूटेगी, जिस दिन MLA का पद भी छोड़ दूंगा, अरे पार्टी ने भी छोड़ दूंगा, ऐसी नौबत तो अभी आई नहीं है। चर्चाएं क्योंकि लोगों ने वोट दे रखे हैं, मैं चाहता हूँ जिन लोगों ने जिस मंशा से जिस इरादे से मुझे वोट दिया है उनका कुछ भला कर सकूँ, इसलिए पार्टी तो कोई छोड़ी नहीं अभी तक। आपने चुनाव जीतने के बाद ये कहा था कि मेरे को दुष्यंत ने विधायक बनाया है, न कि मैं अपने बलबूते जीतता हूँ। 100% सही है, दुष्यंत ने की पार्टी में अगर नहीं होता तो इतना बड़ा जाट समाज का मुझे समर्थन मिला है मुझे नहीं मिलता। ये दुष्यंत को मैंने बनाया है डिप्टी चीफ मिनिस्ट्रियों के मांगे था, जब इसकी माँ लड़ी है ब्रजेंद्र की, फिर तो ब्रजेंद्र जब इसको 9,500 से मेरी सपोर्ट के बावजूद उचाने में हारा है दुष्यंत, ब्रजेंद्र जीता तो ये तो उसकी माँ लड़े थी, कोई कासूरांगड़ थोड़ी लड़े था, ये तो मेरे पास टिकट थी यहाँ और आले दिवाले सिस्टम बना रखा था। अब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है, हम 9 MLA हैं, 9 MLA ने बनाया है और MLA जो बना है उसमें हमारा अहम रोल है, और इसका एक MLA नहीं और भी बहुत MLA हैं जो हमारी मदद से बने हैं। इसकी इतनी वोट का क्या काम था, इब इलेक्शन लड़ा था, एक नारनौंद हल्के में जीता था और कौन से हल्के में जीता था, सब जगह आ रहा था। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।